हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया यार, लेकिन आज का व्लॉग आज डालना ज़रूरी था क्योंकि फिर ये व्लॉग पीछे हो जाता, क्योंकि कल नवरात्रि का व्लॉग मैं कल डालूँगी। तो अब नवरात्रि का व्लॉग है तो मुझे ऑल्टरनेट डेज तो मैं डाल नहीं सकती हूँ, व्लॉग मुझे डेली ही डालने पड़ेंगे अगर मैं शूट कर रही हूँ सारे 9 दिन। तो ऐसा नहीं कर सकती कि फर्स्ट डे डाल दिया तो फिर सेकेंड डे गैप करके फिर थर्ड डे को मैं सेकेंड डे डालूँ, ऐसे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं वॉश कर रही हूँ कास्ट आयरन का सेट जो मैंने बहुत पहले मंगाया था और मैं शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ, पर मुझे मैं कर नहीं पाई, मैंने शूट करके रखा था और तो सोचा कि चलो आज बताती हूँ। तो ये कास्ट आयरन का कढ़ाई और ये फ्राइंग पैन है, इसको फर्स्ट टाइम पे तो बहुत अच्छे से वॉश करना पड़ता है क्योंकि इसमें काला काला बहुत ज़्यादा निकलता है। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ और मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने यूज़ किया, क्योंकि मैं पहले बता दूँ कि इसको एक बार वॉश करने के बाद इसको ऑयलिंग करनी रहती है और उसके बाद इसको कम से कम 10 से 12 घंटे छोड़ देना है, मतलब रात में कर लो तो सुबह यूज़ करो। जब आप नेक्स्ट टाइम यूज़ करें ना इसको, जैसे लाइक अभी मैंने मॉर्निंग में इसको वॉश कर दिया डिटर्जेंट से, सॉफ्ट डिटर्जेंट से, उसके बाद इसको सरसों का ऑयल लगा दिया है, उसके बाद मैं रात में जब इसको रीयूज़ करूँगी तो फिर से डिटर्जेंट से हमें वॉश करना है। बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग भी नहीं करनी है, एक सॉफ्ट स्पॉन्ज से ही साफ़ करना है। तो कास्ट आयरन इसीलिए अच्छा लगा मुझे, एटलीस्ट नॉनस्टिक से छुटकारा मिले। एंड पता ही है नॉनस्टिक ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ करना कितना ख़तरनाक होता है। कास्ट आयरन काफ़ी अच्छा लगा और मुझे काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करते करते। तो चलिए इसमें मैं बनाती हूँ, रात का टाइम है, डिनर बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया, सरसों का तेल, उसमें जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली है और हल्का सा फ्राई कर लिया। मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी अपने लिए और इसमें हींग डाला है। उसके बाद और डिनर में बन रहा है, इनके लिए अलग बन रहा है, वो मैं क्या बनाने वाली हूँ वो भी शेयर करूँगी। प्याज डाल दिए। बस जस्ट सॉटे करती हूँ मैं सब्ज़ियाँ डिनर में। मैं मोस्टली सब्ज़ियाँ ही लेती हूँ सबसे ज़्यादा, लाइक कैप्सिकम, ब्रोकली या फिर पनीर या बीन्स या फिर ओट्स खिचड़ी या फिर दाल खिचड़ी, ये सारी चीज़ें लेती हूँ। दाल खिचड़ी वो भी लेती हूँ बॉयल वाली, आज भी दाल खिचड़ी बनाई है बट वो स्पेशल दाल खिचड़ी बन रही है इसीलिए मैंने अपना अलग बना लिया। वो बन रही है पंजाबी और होटल स्टाइल में जैसे बनती है ना, डबल तड़का, मैं डबल तड़का कर रही हूँ अलग से तड़का लगा के, इसीलिए फिर मैंने अपने लिए अलग बना लिया। हालांकि मैं बॉइल्ड भी खा सकती थी बट मैंने कहा कि चलो यही खा लेते हैं, और रोटी भी रखी थी दोपहर की क्योंकि 3 रोटी बन गई थी तो 2 ही खाई थी तो 1 रागी की रोटी बच गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो यही भुर्जी बना लेते हैं यमी यमी सी, जिससे कि मैं मन भर के और सुकून से बिना किसी गिल्ट के खा सकूं अपना डिनर। और आई इन्जॉयड, मैं अपना मील बहुत अच्छे से इन्जॉय करती हूँ, चाहे वो लंच हो, ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो। काफ़ी अच्छा खासा क्वांटिटी में मैंने लिया है। तो चलिए मेरा डिनर हो गया है, अब इनका मैं बना लेती हूँ। ऑलरेडी मैंने बॉइल्ड कर ली है दाल खिचड़ी, दाल और चावल, अरहर की दाल है और चावल है, ठीक है। और इस तरह से दाल खिचड़ी, दाल चावल ऐसे बॉयल करने हैं कि बिल्कुल घुटे ना और ऐसे सूखे सुखाए भी ना हो, रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ऑयल में अदरक डाला है, लहसुन की कलियाँ डाली हैं, जीरा डाला है और हरी मिर्च डाली है और इसको अच्छे से फ्राई करना है। ये दाल खिचड़ी लगती बहुत अच्छे से अच्छी है। वैसे तो दाल खिचड़ी मेनली होती क्या है, बॉइल्ड दाल चावल या थोड़ा सा जीरा तड़का लगा होता है, ऊपर से हम घी डाल के खाते हैं, बट इसको जिस तरह से हम फ्राई कर रहे हैं दोबारा से, ये इस तरह से होटल में ही मिलती है और लगती भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी लगती है। हार्डली बहुत लोग इस तरह से खाते होंगे बट बहुत टेस्टी लगती है, मज़ेदार लगती है, चटाकेदार लगती है। इसको आप लोग लंच में ट्राई करें तो और मज़ा आएगा, बढ़िया भर के खा सकते हो, रात में तो अवॉइड ही करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर फिर मैंने डाला है जो राइस तवा पुलाव का मसाला होता है वो डाला है, हल्दी, धनिया, मिर्च, और इसको स्लो सेम आँच पे ही मैं सारी चीज़ें पका रही हूँ, ये देखिए। उसके बाद अभी हम डालेंगे खिचड़ी अपनी, इसको मैंने ऑयल में बनाया है बट इसके ऊपर घी डाल के खाया जाएगा बाद में,
इसीलिए मैंने घी नहीं, घी मैंने में तड़का नहीं दिया। आप चाहें तो घी में भी डायरेक्टली तड़का दे सकते हैं, बट काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में घी डालें तो ही तड़का में मज़ा आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दाल चावल आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल सूखे सूखे भी खिचड़ी नहीं दिख रही, ना ही घुटी हुई दिख रही है ना। आपको राइस अलग अलग दिखेगा, दाल बस उबली हुई है ज़्यादा, लेकिन राइस अलग अलग दिखेगा। अब बस इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ढक के रख देना है स्लो आँच पे, और हमारी खिचड़ी रेडी हो जाएगी विद हरी चटनी, पापड़, अचार के साथ खाएं। इस तरह से ये देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी हो तो अच्छा हो, ऐसे वो लोई की तरह खिचड़ी बनी हो लाइक सूखी सुखाई तो वो भी नहीं अच्छी लगेगी, फ्राई करके भी मज़ा नहीं है उसमें तो, और ना ही बिल्कुल बिल्कुल पानी जैसी हो खिचड़ी, वो भी मज़ा नहीं आएगा। सो यहाँ पे डिनर के बाद हम निकल लिए हैं शॉपिंग के लिए, और हम जा रहे हैं नवरात्रि की शॉपिंग करने के लिए। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब कल रात का ही ब्लॉग है कल का ये, एंड एंड में अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो गाइज प्लीज़ दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आई नो आप लोग बहुत अच्छे से देखते हो, कमेंट भी प्यारे प्यारे करते हो, बट बहुत सारे लोग सब्सक्राइब किए बिना देखते हैं, तो इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो हम जब आ रहे थे शॉपिंग करने के लिए तो मैं और सुशील जी यही बात कर रहे थे कि कितने तक का सामान आएगा, क्योंकि वो वाला कार्ड वगैरह हम लेके नहीं आए थे, ऐसे ही निकल आए, तो 200-300 रुपये का आएगा, कैश में ले लेंगे। तो वही मैंने कहा था नहीं 500-600 तक का आएगा, उन्होंने बोला था 200-300 तक का आएगा। देखो सुशील जी, मैंने बोला था 500 तक का आएगा सामान। लड्डू गोपाल की ड्रेस ले ली, एक्स्ट्रा ज्वेलरी ली। ओके फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ बाहर से, और ऑलमोस्ट 10 बज गया, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि 9:45 बजे गई थी, 10 बज गए थे शॉपिंग करते करते, गए थे नीचे सोसाइटी में ही, और यहाँ लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं। अभी सामान में क्या क्या लाई हूँ, मैं थोड़ी सी खुश नहीं नज़र आ रही हूँ, नवरात्रि या कोई भी पूजा वाला त्यौहार होता है ना, मैं बहुत खुश होती हूँ। अब मैं खुश इसलिए नज़र नहीं आ रही हूँ क्योंकि मेरा टाइम आने वाला है, मतलब पीरियड का, अब पता नहीं, अब ये है कि कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, तो इतनी मैं कंफ्यूज थी कि मैं माता रानी की स्थापना करूं कि ना करूं, कि इधर ही पूजा कर लूं। कहने का मतलब ये है कि 9 दिन अगर आप जैसे स्थापना करते हो, कलश स्थापना करते हो, तो 9 दिन बराबर उनका सुबह का आरती, रात का आरती, दोनों टाइम प्रसाद लगाना ही पड़ता है, ठीक है। अगर मैं पीरियड से हो गई बीच में तो कौन देखेगा उनको, है ना, और ये तो कर नहीं पाएंगे, तो कुछ आता ही नहीं पूजा पाठ के मामले में। फिर मैंने दूसरा, अगर मान लो कल नहीं आया तो फिर पूजा नहीं करूँगी इसी चक्कर में, तो मुझे भी बुरा लगेगा, तो फिर इसी मैं दोनों सच्चियाँ ना फंसी हुई हूँ। अगर मैं कल ठीक ठाक रही तब तो चलो स्थापना वगैरह सब हो जाएगा, एंड सुबह शाम ये देख लें बाकी है, तो चलो फटाफट दिखाती हूँ मैं। सो शॉपिंग करने की थी माता रानी की, तो ऑब्वियस है शॉपिंग हम गए थे माता रानी शॉपिंग करने, लेकिन लड्डू गोपाल के लिए भी मैं लाई हूँ ड्रेस। कभी मैं कुछ भी लेने जाती हूँ, चाहे वो गणपति जी के लिए भी लेने जाऊँ या माता रानी के लिए लेने जाऊँ, कुछ भी शॉपिंग करती हूँ तो इनके लिए मैं ज़रूर लाती हूँ कुछ ना कुछ। तो ये मैं ड्रेस ले आई हूँ ब्लू कलर की, नीला रंग उनको बहुत प्रिय है, और ये लाई हूँ दुर्गा माँ के लिए, नई तरीके की ड्रेस मिली है मुझे, तो मुझे बड़ी खुशी हो गई, बस ऐसे उनके ऐसे डालना है और ड्रेस पहन जाएगी आराम से ऐसे, है ना। तो एक ये लाई हूँ मैं बड़े स्टाइलिश, तो ये सोचा है कि ये फर्स्ट डे पहना दूंगी रेड वाली, और ये नौमी के दिन पहना दूंगी चेंज कर दूंगी, ये वाली कितनी प्यारी है ना। ये दो लाई हूँ, और उसके बाद ये लाई हूँ माता रानी के लिए ज्वेलरी पहनाने के लिए, ये देखो, और ये लड्डू गोपाल के लिए लाई हूँ हरा, ठीक है, ये दो लाई हूँ मैं। इसके अलावा ये पंचमेवा लाई हूँ जो भोग लगेगा, ये चुन्नी लाई हूँ ऊपर से डालने के लिए, प्यारी चुन्नी है क्योंकि मेरी दुर्गा माँ जो है ना वो छोटी सी है, बड़ी नहीं है जैसा, ऐसे चुन्नी डालने। इसके अलावा ये पूरा श्रृंगार का सामान है, एक्चुअली मैं श्रृंगार का सामान कभी भी ऐसे नहीं खरीदती हूँ, बट आज टाइम नहीं था और बाहर गई नहीं, अदरवाइज मैं ऐसे खरीदती हूँ
जिसमें सारी चीजें मैं खरीदूंगी, क्योंकि चढ़ाने के बाद 9 दिन बाद वो हम मैं चाहती हूँ कि मैं वो इस्तेमाल करूँ, लेकिन ये सारी चीजें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुछ चीजें ही करूँ चूड़ी वगैरह, तो वो मैं अलग अलग ले लेती हूँ, लाइक नेल पॉलिश ले लो, लिपस्टिक ले लो, गले का कोई नेकलेस ले लो, साड़ी ले लो, या फिर मतलब ये पूरी चीजें, पूरा जो श्रृंगार का होता है, तो वो मैं अलग अलग जाके दुकानों पे जाके परचेज करती हूँ, है ना। लेकिन अभी वो इधर दुकान वगैरह थी नहीं ना, इतना टाइम था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कल नवरात्रि है। पता मैं क्या सोच रही थी, 2 अप्रैल को नवरात्रि है, मैंने गूगल में क्योंकि डाला था तो 2 अप्रैल दिखा रहा था पता नहीं क्यों, और मैंने 2-3 दिन पहले ही चेक किया था ये। आज मुझे पता चला, आज कितनी तारीख है, आज है, अरे आज ट्यूसडे है यार, कल गुड़ी पड़वा भी है और नवरात्रि भी है, तो अर्जेंट वाला फिर यही काम हुआ, ये लेके आई हूँ मैं। इसके बाद और वैसे कलश स्थापना के लिए नारियल, और ये आम के पत्ते, और ये उनके लिए मैं गुलाब का फूल लाई हूँ, ये असली वाला है, इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी अभी। एंड कुछ डेकोरेशन के लिए फूल, बस इतने ही लाई हूँ। पान रह गया मेरा, पान मंगाना था मैंने, और पान जब मैं घर आ गई तब याद आया यार पान नहीं लिया, पान क्योंकि माता रानी को चढ़ता है ना पान, सुपारी और लौंग वगैरह फर्स्ट डे, पर कोई बात नहीं, इनसे कल मंगा लूंगी तो शाम को चढ़ा दूँ। ओके गाइस, तो ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ, बताना कैसा लगा, कमेंट जरूर करना, और वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। कल फिर से मिलती हूँ।